हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज यू मी एंड इंग्लिश विनेश। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास लगे बेल आइकन को क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश टू द किड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए सही उम्र क्या है। दोस्तों, इसका कोई सही या गलत उम्र नहीं होती। जब चाहे हम बच्चे को इंग्लिश सिखाना शुरू कर सकते हैं, यानी बच्चा जब से पैदा हो जाता है उसके बाद जैसे ही वो कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तभी हम उसको इंग्लिश या हरियाणवी या और किसी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाई यू स्टार्ट टू टीच किड्स इंग्लिश। दोस्तों, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना क्यों शुरू करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे को हम जिस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर कर देते हैं फिर उसको उस लैंग्वेज में कोई हेजिटेशन नहीं होती और ना ही उस लैंग्वेज से कोई फोबिया होता। तो जब वो बच्चा उस लैंग्वेज को स्कूल में जाके सीखना शुरू करता है तो उसको वो इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि हम बच्चे को स्टार्टिंग में ही ये चीज इंट्रोड्यूस करवा दे कि ये लैंग्वेज भी हमारी फैमिलियर लैंग्वेज है। जैसी हमारी हिंदी है वैसे ही हम उसको साथ के साथ इंग्लिश भी शुरू करवाएं, जिससे क्या होगा उसको कभी भी इंग्लिश से डर नहीं लगेगा और वो इजीली बाद में उसके साथ कैरी ऑन कर सकेगा। हाउ टू स्टार्ट टीचिंग किड्स इंग्लिश। Now we will discuss about the procedure which we will follow to teach him English. तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो ये है, इसके लिए हमें उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम डेली उसको एक घंटा मिनिमम इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाने के लिए देंगे और उसके लिए हम कोई बुक या वर्कशीट वगैरह यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके लिए जो टेक्निक यूज करेंगे वो है TBR। इस टेक्निक की फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हम बच्चे के साथ इसमें फिजिकली इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको अगर सिखा रहे हैं सिट डाउन तो हम उसको साथ में करके दिखाएंगे फिजिकली। हम उसको ऐसे सिट डाउन बैठ के दिखाएंगे, फिर स्टैंड अप के लिए हम उसको दिखाएंगे कि हम स्टैंड अप खड़े होके दिखाएंगे ताकि उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ में आ जाए, यानी कि हम उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होंगे ताकि उसको ये चीज बोरिंग ना लगे। इसी टेक्निक के थ्रू फॉर एग्जाम्पल हम ये इसको आगे सिखा सकते हैं सिट डाउन स्लोली, यानी हम उसको करके दिखाएंगे कि ये स्लोली, और क्विकली के लिए हम उसको करके दिखाएंगे क्विकली। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये बोरिंग नहीं लगेगा और उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा और उसकी मेमोरी में वो वर्ड्स स्टोर होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम कौन से वर्ड उसको यूज करें TPR के लिए। सेकंड, इस टेक्निक को हम 15 से 20 मिनट तक यूज करेंगे डेली। उसके अलावा जो 40 मिनट्स हैं उसमें हम उसके साथ खेलेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे। जैसे वो खेल रहा है अपने सुपरमैन और बैटमैन के साथ खेल रहा है तो हम उसको साथ के साथ नरेट करेंगे कि क्या हो रहा है, वो भी इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बैटमैन और सुपरमैन की फाइट है तो उसमें हम उसको साथ में बताएंगे ही हिट्स हिम, ही क्राई, ही फॉल डाउन। तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे वर्ड से उसकी जो वोकैबुलरी है वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी और पूरा दिन वो हिंदी सीखेगा और एक घंटे अगर डेली वो इंग्लिश सीखेगा तो उसको दोनों की दोनों लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी। TPR टेक्निक के अलावा जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो है पिक्चर्स। अगर हम उसको कोई भी पिक्चर शो करेंगे और उसकी हेल्प से हम उसको स्टोरी बना के या कैसे भी हम इन्वॉल्व करेंगे इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड्स के साथ तो भी उसको इंग्लिश जल्दी से आ जाए। डूज एंड डोंट। इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमें कभी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है कि वो इंग्लिश ही बोले। उसको हमें पूरा टाइम देना है, उसको हमें रेगुलरली शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली 1 आवर सिखाना है और उसको कभी भी प्रेशराइज नहीं करना।
सेकंड जो चीज है वो है कि हमें हमेशा सिंपल वर्ड्स को यूज करना है उसको इंग्लिश सिखाते वक्त, कोई भी हार्ड वर्ड्स यूज नहीं करने। और जो लास्ट चीज है वो है कि हमें उसके लिए कोई भी बुक या वर्कशीट की हेल्प नहीं लेनी है। जो सबसे मेन स्टेप है वो है कि हमें रिवाइज करवाना है उसको, जो भी हमने उसको पूरे दिन में करवाया उसको जब हम बेड टाइम पे सुला रहे होंगे तब हमें उसे वो सब चीज रिवाइज करवानी है ताकि वो सब चीजें उसकी मेमोरी में सेव हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।